अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि TIO ने 30% तक डिस्काउंट दे दिया है। अब आप सिर्फ 70,000 रुपए में आने जाने की टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज आपको मैं क्लियर करता चलूँ, काफी ज्यादा न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बता रहे कि 70,000 रुपए बगैर टैक्स के आने जाने की टिकट है, वो भी कराची से जद्दा के लिए है। बल्कि मैं आपको मजीद एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। अगर आप वन साइड की टिकट लेते हैं ना TIO की जो प्रमोशन है 30%, तो फिर आपको टिकट मिलेगी कराची से, चाहे जद्दा जाए चाहे मदीना पाक जाए, और वापसी ये डायरेक्ट नहीं आएगी। ये वापसी मदीना पाक से होती हुई रियाज स्टे करेगी, फिर वापस पाकिस्तान ये आएगी। इस्लामाबाद आ सकती है, मुल्तान आ सकती है, लेकिन स्पेसिफिक मतलब आप चाहेंगे कि ये लाहौर में ही आए या वापस कराची में ही आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस इनकी प्रमोशन कुछ इस तरह की होती है। दूसरा, ये बगैर टैक्स के 70,000 रुपए है, असल टैक्स डालकर 86,000 रुपए या 88,000 रुपए की टिकट है। इस तरह आप देख रहे हैं कि जद्दा के लिए TIO की डायरेक्ट फ्लाइट 56,000 की बोल रहे हैं, तो वो टैक्स नहीं है। लेकिन वो वन साइड अगर आप लेते हैं, चाहे जद्दा चले जाए या मदीना चले जाए, वन साइड की 56,000 की टैक्स नहीं है, और आने जाने की अगर लेंगे वो बाइक के साथ मिलती है, वो 86,000 रुपए की है। बगैर टैक्स के जो मैंने भी थंबनेल पे लिखा 70,000, वो बगैर टैक्स के 70,000 है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। सेकंड, एक और प्रमोशन मैं सेम आपको बताने लगा हूँ, जो कि सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन है। उन्होंने भी टिकट ऑलमोस्ट इतनी ही निकाली है, इसमें 86,000 निकाली है TIO ने, उन्होंने 50% डिस्काउंट पे 88,000 निकाली हुई है। आने जाने की उनकी भी टिकट है, लेकिन वो भी कराची से जद्दा है और वापिस मदीना से वाया रियाज या दमाम किसी सिटी से होती हुई फिर पाकिस्तान है। असल में उनकी 2,000 रुपए ज्यादा इसीलिए है कि सऊदी एयरलाइन की टिकट वैसे ही एक्सपेंसिव होती है। अगर आम दिनों में आपको सऊदी एयरलाइन की टिकट 1,45,000 रुपए की मिले, तो TIO की 1,30,000 की मिलती है। इसी तरह विदाउट प्रमोशन भी टिकट इस वक्त मिल रही है। आप वीगो, जो मैं ऑनलाइन जो सर्च इंजन है यूज करता हूँ ना, उस पर आप चले जाए वीगो पे, वहां पे जाके आपने लाहौर से जाना है, इस्लामाबाद से किसी भी शहर से, आप सर्च कर लें के लाहौर से जद्दा डायरेक्ट टिकट, और फिर वापसी की भी आप रिटर्न टिकट साथ ही डाल लें। देखिएगा आपको जजीरा एयरवेज जितनी भी वाया के साथ फ्लाइटें हैं, फ्लाइट दुबई होगी, एयर रबिया होगी, ये सारी की आपको टिकट मिलेगी तकरीबन 1,05,000 रुपए तक। और इस तरह एयर ब्लू, श्री एयरलाइन वगैरह भी है, इनकी टिकट आपको सऊदी एयरलाइन की भी मिलेगी 1,13,000, 1,16,000, 1,20,000 रुपए की। और दूसरा ये है कि ये 16 अगस्त से इनकी प्रमोशन चल रही है और 31 अगस्त इनकी लास्ट डेट है। मतलब कि 16 से 31 अगस्त के दरमियान टिकट बुकिंग कर सकते हैं और आगे 3 महीने के अंदर अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर और 30 नवंबर तक आप ट्रेवल इसमें कर सकते हैं, इस हिसाब से आपने बुकिंग करनी होगी। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, मतलब 31 अगस्त तक क्यों इन्होंने दी है कि 31 अगस्त के बाद आगे रबीउल अव्वल में इनका अच्छा खासा सीजन लगता है, एयरलाइन की जो बुकिंग है ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये टिकटें एक्सपेंसिव कर देते हैं, महंगी कर देते हैं। उसके बाद फिर जैसे रबीउल अव्वल खत्म होगा, टिकटें सस्ती हो जाएंगी, फिर प्रमोशन निकलेगी और फिर शबाब तक प्रमोशन रहेगी, उसके बाद रमजान है, फिर ये चीजें एक्सपेंसिव कर देते हैं। ऐसे जिसमें सस्ता तरीन उम्रा पैकेज खरीदना हो, वो अभी खरीद सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। तो मेरे भाई जो आसिफ जाट साहब हैं, वो ग्रुप उमरा लेकर 40 बंदों का इस वक्त सऊदी अरबिया में ही मौजूद है। उनका पाकिस्तानी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, मैं उनका ये सामने नंबर चला देता हूँ। आप अगर सस्ता तरीन पैकेज चाहते हैं या आप सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, उनसे रब्ता करना चाहें मेरे हवाले से भी, तो आप उनसे मेरा रेफरेंस लेकर सस्ता तरीन पैकेज हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बार बार उमरा और हज की सआदत नसीब फरमाए। इलीफ साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। इजाजत दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।